बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनि सुत बजरंग बली, गारवे रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, राम दूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय जय नंदिनी, इतनी व्याकुलता किस बात की है? आज कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आपको मेरे पास आने के लिए विवश कर दिया। इतना व्याकुल तो मैंने आपको उस दिन भी नहीं देखा था जिस दिन ऋषि विश्वामित्र आपको मुझसे बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे थे, और आपने मेरी व्याकुलता देखकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी रक्षा की थी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? माते, आप कुछ मत बताइए, मैं अपनी योग क्रिया से ये जानने का प्रयास करता हूं कि आपकी व्याकुलता का कारण क्या है। Thank you.
नंदिनी, इस संकट की घड़ी में मुझे आपकी सहायता चाहिए। पुत्र की पुकार को सुनिए और सारे बच्चों के प्राण बचाइए। आइए माता आइए। माते, ये ऋषि वशिष्ठ आपकी व्याकुलता का कारण समझ गया। आप तो केवल मुझसे अनुमति लेने के लिए आई हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माते, आप अपने भाग्य पर गर्व कीजिए, क्योंकि आपको स्वयं भगवान बुला रहे हैं। जाइए और उनसे मेरा प्रणाम भी कहिएगा। जाइए माता, शीघ्र जाइए और पवन सुत की इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे पवन सुत, जब आपने नंदिनी का स्मरण किया होगा तो आपको इस ब्रह्मपुत्र का ध्यान अवश्य आया होगा। मैं धन्य हो गया। अहो भाग्य मेरे, हे केसरी नंदन, नंदनी आपके पास आ रही है, आपके पास आ रही है। देवाधिदेव, हर हर महादेव। जैसे घूमा का नंदिनी ने पवन पुत्र की पुकार सुनी, पशुपतिनाथ बुलाते उन्हें वो सब कुछ त्याग के दौड़ चली। प्रभु की इच्छा पूर्ण करने अपना सौभाग्य मनाती है, बिना रुके एक पल भी कहीं, बिना रुके एक पल भी कहीं। वो माता दौड़ी जाती है, रुद्र भगवान ने मुझे पुकारा, धन्य हो गया मेरा जीवन। मैं प्रभु के कुछ काम आ सकूं, सफल हो देवा मेरा जीवन। मैं सब छोड़ के योजन दूरी, भागी भागी आई चली। चरणों में शीश झुकाए खड़ी हूँ, आज्ञा करो बजरंग बली, आज्ञा करो हे देवा मारुति। माता नंदिनी, आप पुत्र के पुकार को सुनकर आ गई, इसीलिए तो गाय को माता कहते हैं। प्रणाम स्वीकार कीजिए रुद्र अवतार अंजना पुत्र। हे माता नंदिनी, संकट के समय पर पुत्र को केवल माता ही ध्यान में आती है। माते, पिता केसरी के बुरे राज पर संकट है, नन्हे नन्हे बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, माताओं के आंसू सूख चुके हैं, उनके बच्चों के प्राण बचाइए, उनकी भूख मिटाइए माता। हे मारुति,
ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। प्रभु, आपकी कृपा से ये नंदिनी इस क्षेत्र के हर बच्चे के आधार अब दूध के लिए नहीं सूखने देगी। माता, मैं धन्य हुआ। मैं आपको वही ले चलता हूँ। आइए माता। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग पूर्ण, इनके घरों में दूध की वर्षा कर दो। प्रभु, गुरु वशिष्ठ के आश्रम से निकालकर आज आपने दीन दुखियों की सेवा का जो अवसर दिया, ये आपकी ही कृपा है। हे मारुति, जब तक इस क्षेत्र में ये समस्या है, मैं हर दिन आकर यहाँ दूध बांटती रहूंगी। हाँ, आते समय गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको प्रणाम भेजा था। गुरु वशिष्ठ, हे माता, उनके सिर चरणों में मेरा प्रणाम। आज्ञा दे प्रभु, तो मैं चलूं। काका, यदि दूध की व्यवस्था ना हुई तो ना जाने क्या होगा। केसरी,
थोड़े समय में हमारा अनाज का भंडार समाप्त हो जाएगा। सारे खेत उजड़ चुके हैं, सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। इस बार असुरों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। महाराज की जय हो। महाराज, एक शुभ समाचार है। गांव में सभी के घर में दूध के सभी बर्तनों में दूध भरा है। क्या गांव में दूध की वर्षा हुई? हाँ महाराज, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। गांव में दूध के बर्तन में दूध भरा है। रात ही रात में न जाने कौन देवता आकर यह चमत्कार कर गए हैं। काका, हम स्वयं गांव में चलकर देखेंगे। ये कैसे संभव हुआ? संसार में कुछ भी असंभव नहीं है केसरी, ये सब ईश्वर का चमत्कार है। चलो चलकर हम भी उस चमत्कार को देख लेते हैं। महाराज, ये कोई नहीं जानता ये दूध कहां से आया है। सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो दूध का बर्तन यहां भरा हुआ रखा था। इतना सारा दूध छुपाकर कौन रख के गया? कौन रख कर जा सकता है काका? महाराज, हमें लगता है ये असुरों की चाल है। वे हमें और हमारे बच्चों को एक साथ मार डालना चाहते हैं। ये अनुभवी बूढ़ा ठीक कहता है काका, ये दूध मायावी जाल जैसा है, इसमें विष मिला हो सकता है। वो असुर पूरे वानर जाति के शत्रु हैं। शत्रु सैनिकों, इस दूध को ले जाकर कहीं दूर फेंक दो।